नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी बथुआ का सब्जी यूनिक तरीके से, अलग तरीके से, जो कि आप बना के खा के देखें। बहुत ही स्वादिष्ट है बथुआ की सब्जी बनाएंगे तो। और ये देखिए, ये है बथुआ। यहाँ पर बहुत सारा बथुआ मिलता है खेतों में, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी बथुआ। ये आप देखिए बथुआ, ये तो आप देखेंगे, ये दो क्वालिटी का बथुआ है। एक देखेंगे तो ये गुलाबी इसकी डंडी है ये, और एक देखेंगे तो इसकी डंडी ये हरी है पूरी। और दोनों ही बथुआ देसी बथुआ है, क्वालिटी अलग अलग है। तो ये देखिए बथुआ, तो ये बथुआ का जो साग बनता है वो ठंड में ही बनता है, बहुत गर्मी देता है। मतलब इसमें इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि इसकी भाजी या सब्जी जो भी हम बनाते हैं इसको कंटिन्यू रोज़ नहीं खा सकते हैं। इसको 2-4 दिन के अंतराल में खाया जाता है, और ये बथुआ अकेले बहुत कम बनाया जाता है। ये किसी भी भाजी में डाल के बनाया जाता है, जैसे कि चना भाजी, सरसों भाजी, पालक भाजी या कोई भी और भाजी के साथ इसको थोड़ा सा मिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप सरसों भाजी बना रहे हैं, 1 किलो है सरसों भाजी, तो उसमें 1 पाव बथुआ भी डालते हैं। और ये बथुआ की आप पत्ती देखोगे, ये देखिए, तो ये तीर के आकार की होती है इसकी पत्ती, ये देखिए ये, और बीच बीच में से कटिंग रहता है, तीर के आकार की होती है ये देखिए। तो ये जो बथुआ है इसका जो तासीर होता है वो काफ़ी गर्म होता है, वह ठंडी में मिलता है बहुत आज। जैसे हम लोग का गेहूं का, अरहर का, चने का खेत है, तो उसी में से इसको निकाल के ले आए हैं बथुआ को, अलग से हम लोग को भाजी खरीदनी नहीं पड़ती है। तो ये इसकी सब्जी, जैसे हम आपको जो आज बना के दिखाएंगे वो सूखी सब्जी है, और इसका सब्जी जैसे कि उबाल के भी, और जैसे कि वो बनाते हैं सरसों भाजी वगैरह बनाते हैं उससे, वैसा भी इसको बना सकते हैं। और ये खून को साफ़ करता है। खून को साफ़ करना मतलब, ऐसे जिसको मान लो मुहासा वुहासा जिसको ज़्यादा होता है वो इसकी सब्जी 1-2 दिन के अंतराल में खाए। और ये गर्म इतना होता है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तब बथुआ की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। यहाँ तक कि मैं बब्बा लोग बोलते थे कि बथुआ इतना गर्म होता है कि अगर गाय वगैरह को भी बच्चा रहे पेट में, बथुआ का ये जो हरा चारा होता है इसको अगर 2-3 दिन लगातार खिला दिया जाए तो उसका बच्चा भी मतलब ख़राब हो सकता है। इसलिए बहुत काफ़ी गर्म होता है, पर ये गर्मी प्रदान करता है। जैसे कि जो लड़कियां माहवारी वगैरह होती हैं उस बीच में भी उनको नहीं खाना चाहिए। इसमें कई गुण भी हैं, जैसे कि ये जिसका पेट साफ़ नहीं होता उसका पेट भी साफ़ होने लगता है, और इसकी भाजी खाने से भूख भी बढ़ती है। तो चलो मैं आपको बताऊंगी बथुआ का सब्जी बनाना। इसका ये डंठल है ये कड़ा होता है, तो इसको इस तरीके से, ये देखिए ऐसे, इसकी जो पत्तियां होती हैं ऐसे ये, और ये हरा बथुआ है ये, इसकी पत्तियाँ तोड़ लेते हैं ऐसे, और इसका डंठल फेंक देते। जबकि इसका डंठल आप देखोगे ये, इसका डंठल भी नरम है, पर डंठल निकाल देते हैं, सिर्फ पत्ती की सब्जी बनाते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से, तो ये देखिए मैं इस तरीके से इतना सारा भाजी ये देखिए मैं निकाल के रखी हूँ पहले से इतना भाजी। और इस भाजी का मैं दूसरी प्रकार की सब्जी बनाऊंगी जो उबाल के बनता है, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ इसको। और इस सब्जी को, भाजी को अच्छी तरीके से हम 2 बार साफ पानी में धोएंगे। तो यह है धुला हुआ बथुआ पत्ती, ये 2 आलू है छील के धो लिए हैं, नमक, हल्दी, मेथी, लहसुन इसको बारीक काटेंगे, मिर्चा, और ये है सरसों का तेल। अब बनाएंगे बथुआ का भाजी। आलू को देखिए इस तरीके से काटना है ऐसे, हर सब्जी का आलू का तरीका अलग होता है कटने का, ये देखिए ऐसे
ये आलू बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसको हम अलग कर दिए हैं। आप लाल मिर्च भी डाल सकती हैं इसमें, ये देखिए। तो ये लहसुन आप ऐसे भी डाल सकते हैं और इसको बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो लहसुन भी काट लिए हैं, ये इसको यहाँ कर देते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये भाजी बहुत ही पतली कटती है, तो पहले मैं इसे चार टुकड़ा काट लेती हूँ, फिर इसको चॉपर में हम इसको महीन करेंगे, बारीक करेंगे इसको। जैसे चने की भाजी की सब्ज़ी दिखाई थी कि स्पेशलिस्ट आई थी भाजी को काटने के लिए, तो वैसे ये भी कटता है, पर मैं चॉपर मंगवाई हूँ यहाँ पर। मैं इस समय यूपी में हूँ, प्रयागराज में, तो सेटअप वगैरह नहीं है, बस जैसे रसोई है हमारे गाँव की उसी में बना के आपको दिखा रहे हैं। आप बस इन सब्जियों का, भाजियों का आनंद लीजिए बना के। तो थोड़ा इसको बारीक करने के लिए हम चॉपर में करेंगे। अभी इस थोड़ा इसे चार चार टुकड़े काट लेते हैं इसका ऐसे। अब इसको हम ज़्यादा बारीक करेंगे। ये देखिए एकदम बारीक कट गया है ये भाजी। तो आप देखो इतना बारीक काटना है, चाहे आप पड़सुल से काटो या चाकू से और चाहे चॉपर से, इतना बारीक कटने के बाद ही सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें बनाएंगे बथुआ का साग। ये है सरसों का शुद्ध तेल, तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि फ्राई सब्जी बनेगी, इतना डालेंगे तेल। और क्योंकि सर्दी है इसलिए तेल गर्म होने में समय लगेगा। तो तेल हो गया है, इसमें मेथी डाल देते हैं। मेथी के बाद लहसुन, तो लहसुन ज़्यादा मात्रा में डाले हैं क्योंकि सर्दी ही बहुत है यहाँ प्रयागराज में, और लहसुन काफ़ी फायदेमंद है ठंड में। आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं क्योंकि हरा मिर्च वैसे भी कच्चा भी खाया जाता है। इसमें हम डाल देंगे सीधे आलू, आलू के साथ लहसुन पकता रहेगा। ये तो यहाँ प्रयागराज में हमारे यहाँ कोई भी सब्जी बिना आलू के नहीं बनती है। आलू यहाँ किचन में देखेंगे तो आलू बहुत ढेर सारा रखा रहता है, और सब सब्जियों में आलू फ्राई, आलू का भरता, बैंगन भरता में आलू ज़रूर पड़ता है। यहाँ हमारे यहाँ ऐसा ही सब्जी बनती है। अब इसको क्योंकि लहसुन नीचे पक रहा है इसलिए हम अभी चलाएंगे नहीं इसको, लहसुन से नीचे से पकेगा उसके बाद इसको हम चलाएंगे। तो अब इसको चला देते हैं, ये देखिए। तो आप इसका मेथी दाना देखेंगे तो मेथी दाना को बहुत बस भूरा है, इसको काला नहीं करना है नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अब इसको पकने देंगे क्योंकि नई आलू है तो इसमें पानी निकल रहा है, इसलिए इसको ढक के नहीं पकाना है। और अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं फ्राई करते समय, लेकिन हम प्याज नहीं डाल रहे हैं इसमें। तो ये देखिए आलू फ्राई हो चुकी है, क्योंकि ये नई आलू है तो इसमें अभी लाल नहीं हुई है। अब मैं इसमें भाजी डालूंगी उसके साथ आलू। आलू देखिए ये पूरी तरह से पक गई है, ये पक गई है आलू। तो सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है, हो गया इतने डालूंगी। और नमक इसी में डाल दूंगी क्योंकि भाजी में पता नहीं चलेगा कि भाजी ज़्यादा है तो ज़्यादा नमक पड़ जाता है, हो गया इतना नमक। और हल्दी को पहले एक बार भूंज लेते हैं ऐसे। ये हो गया, अब इसके ऊपर ये पड़ेगी बथुआ भाजी ऐसे। और भाजी में कभी भी नमक ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, चाहे पालक की भाजी हो या चने की या बथुए की, क्योंकि इसमें खुद ही हल्का सा नमकीन
पदार्थ रहता है, कितना भी धोएं इसमें नमक कम ही डालना चाहिए। अब इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए आलू लाल हो गई है, अब इसको हम चला देते हैं भाजी को। क्योंकि इसमें सरसों का तेल ज़्यादा है तो अब इसको हम बिना ढके पकाएंगे, क्योंकि अभी एक बार डाल दिए हैं ढके थे तो भाजी नरम हो गई है। अब इसमें पानी आ गया है तो इसका पानी उड़ जाए तब चुरमुरी हो जाएगी दाल चावल के साथ खाने के लिए, तो अब इसको हम नहीं ढकेंगे। ये देखिए इसमें पानी थोड़ा थोड़ा आया है, ये अब इसको ऐसे ही पकाएंगे। तो ये भाजी पूरी तरह से बथुआ की भाजी तैयार है। ये देखिए ये अब इस भाजी को इस लोहे की कढ़ाई से निकाल के प्लेट में रख देते हैं। देखिए ऐसे ये देखिए तैयार है बथुआ का शुद्ध साग। बहुत ही सौंधा महक रहा है, पूरे घर में इसकी महक है। मेथी देखो दिख रही होगी, मेथी ज़्यादा जलाना नहीं है, ये लहसुन वगैरह है। तो इस भाजी को आप दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठा के साथ, किसी भी के साथ खा सकते हैं। बच्चों को लंच में इसको दे सकते हैं, हमेशा ताजगी और गर्मी बनी रहेगी। और ये देखिए ये है बथुआ, इसी का भाजी बना हुआ है। तो आप इसको ज़रूर बनाएँ, अभी ठंड के मौसम में इसको खाएँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें। देखते रहें आसान ज़िंदगी, तब तक के लिए नमस्कार।